फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मटन। उसके लिए ये हमने 1 केजी बकरे का मीट ले लिया है। इसमें ये देखिए चरगोदा वगैरह है, इसको देखिए घंघरी कहते हैं ये वाला, और ये रान है इसको सुल्फी कहते हैं। तो चलिए बिना बात किए फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं। इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, और वीडियो अगर जो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो सबसे पहले इसमें हम डाल दे रहे हैं ये सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका होगा, तो इसमें हम ये डाल रहे हैं 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, ये 3 से 4 तेज पत्ता है, और इसमें आपको काली मिर्च है और जीरा थोड़ा सा। चलिए सबको थोड़ा सा चटकने देते हैं। ये देखिए मिर्च जीरा हमारा पक चुका है, तो इसमें जो है दोस्तों इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने आपको बोला है कि हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट मटन डाल दे रहे हैं। मटन हमने कढ़ाई में डाल लिया है दोस्तों, तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और इस मटन का जितना भी पानी है वो पानी हम सुखाने का कोशिश करेंगे, इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए इसमें। ये अभी आप देखेंगे कि इसमें कितना पानी छोड़ेगा, वो सारा पानी हमें सुखाना है और साथ साथ इसे हमें फ्राई करना है। चलिए थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन ने हमारे कितना पानी छोड़ दिया है, ये देखिए आपको नीचे में दिख रहा होगा। तो चलिए इसका सारा पानी हम यूँ सुखाल करके इसे यूँ ही चलाते हुए सारा पानी सुखा लेंगे और फ्राई कर लेंगे। मटन को फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं दोस्तों। अभी भी देखिए अभी भी इसमें पानी बचा हुआ है, तो हम पहले पूरा पानी इसका सुखा लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर जो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और इस तरह से आपने एक बार अगर जो बना लिया, तो फिर आप दोबारा किसी भी तरह से ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि ये जो है इसमें बनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, बट ये इतना टेस्टी होता है कि आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे। तो चलिए इसका पानी थोड़ा सा और सुखा देते हैं, इसी तरह से लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारा पूरा सूख चुका है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये पानी नहीं है दोस्तों, ये जो है ये हमने जो तेल डाला था और जो हमारे मटन की चर्बी से तेल निकला है वो तेल था। तो चलिए अब इसमें जो है दोस्तों मेन पॉइंट है कि ये जो है ये प्याज हमने फ्राई करके रख लिया था, एक लहसुन साबुत फ्राई कर लिया था। तो चलिए अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने करीब 300 ग्राम के आसपास प्याज को पहले गला लिया था। तो चलिए अब इसको मिक्स कर करके अभी इसके साथ अच्छी तरह से 15 मिनट भूनेंगे, क्योंकि प्याज हमारा पूरी तरह, ये देख सकते हैं गला नहीं है, इसे हमें पूरी तरह से गलाना है। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं साथ मिला के। प्याज हमारा घुलना शुरू हो गया है दोस्तों, तो इसमें हम अभी डाल दे रहे हैं, ये 2 चम्मच डाल दे रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, कोई मसाला नहीं डालेंगे अभी, अभी इसको रेडी होने में 10 मिनट और लगेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे फ्राई करिए, 10 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए काफ़ी घुल चुका है। तो अब आती है इसमें मसाले डालने के बारे, चलिए फटाफट से मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच हम डाल रहे हैं काली मिर्च और जीरा का पाउडर। चलिए सबको मिक्स करके अच्छी तरह से और 5 मिनट भून लेते हैं, क्योंकि मटन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और प्याज भी हमारा देख सकते हैं आप गल चुका है। तो इसके साथ हम 5 से 7 मिनट और हम फ्राई कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह से मिला करके,
मसालों को भी भूनना है दोस्तों, यानी कि मसाला नहीं भूनिएगा तो आपका हल्दी का कच्चापन आएगा। ये देखिए, तो चलिए 5 मिनट और इसे फ्राई कर लेते हैं। मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है दोस्तों, तो इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 गिलास के आसपास पानी। पानी भी हम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मटन को हमने काफ़ी देर भूना है, तो मटन हमारे पहले से गल गई होगी। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको। ये देखिए, पानी का हमें इसी ढंग से रहना है, पूरा डूबना नहीं है, इसे हम ढक करके पकाएंगे। और ये गल चुकी होगी दोस्तों, मैं तो थोड़ा सा इसको तरी बना लेते हैं और अच्छी तरह से इसे ढक देंगे हम। और अब वेट कर लेते हैं 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। करीब करीब 20 मिनट के आसपास हो चुके हैं दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, लगभग मटन हमारा अच्छी तरह से रेडी है। तो अब आ जाती है इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालने की। क्योंकि गर्मी का दिन है दोस्तों, तो इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं और ये थोड़ा सा 1/2 स्पून है, ज़्यादा नहीं। अगर ठंडा होता तो हम इसमें 1 चम्मच डालते। चलिए अभी सब मिक्स कर लेते हैं। ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों इस तरह से एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए, और यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को अक्सर बनाया करेंगे। जब भी मटन लाएंगे इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, मटन में हमारा हड्डी छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।